हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब ईयर एंड आ रहा है और मुझे लगा कि ठीक है, पूरे साल मैंने इस बार बहुत यूट्यूब पे एफर्ट मारा, तो मैं एक ऑडिट ले रहा था अपने चैनल का। मतलब चीज़ें देख रहा था अपने चैनल पे जो पूरे इस साल मैंने की, कितने वीडियोज़ अपलोड किए, कितने कमेंट्स आए, क्या आपका व्यूज़ वगैरह था, सारा एनालिसिस मैं कर रहा था। तो मेरे को एक आइडिया आया कि एक काम करते हैं कि इस साल मुझे जितने भी कमेंट्स आए मैं पढ़ने का ट्राई करता हूँ। सो ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स थे और एक दिन में करना पॉसिबल नहीं था। सो पिछले 6-7 दिनों में मैं डेली टाइम निकाल के आपके कमेंट्स को स्क्रोल डाउन करे जा रहा था। द होल आइडिया वॉज कि मैं कुछ पैटर्न्स निकालना चाहता था कि आप लोग मोस्टली मुझसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हो या आपके कमेंट्स में क्या रहता है। तो प्रिसाइसली 3 तरीके के कमेंट्स थे आपके। पहला कमेंट था कि यू गाइज वर बेसिकली प्रेजिंग मी कि आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल था, जो पढ़ के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सेकेंड कैटेगरी ऑफ कमेंट्स वर दीज कमेंट्स जहाँ पे आप लोगों को कोई कोडिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम आई और आप वो प्रॉब्लम मुझे बता रहे थे, जिसको अब डीबग कर पाना पॉसिबल नहीं था ऑब्वियसली। और थर्ड फिर एक सेट ऑफ कमेंट्स थे जहाँ पे आप करियर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझसे, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए टाइप के क्वेश्चंस। और आई हैव ट्राइड पूरे साल कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ उसी इंस्टेंट पे, बट अब मुझे फिर आइडिया आया ये सब कुछ देखने के बाद कि व्हाट इफ मैं जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके उनको निकाल लूँ, क्योंकि फिर वही सेम डाउट्स हो सकता है बाकी लोगों को भी हों और मैं उनको एक वीडियो के फॉर्म में आंसर कर दूँ, ठीक है। सो मैंने वही किया, 10 क्वेश्चंस मैंने बनाए जो आपके डाउट्स थे उनमें से, और इस वीडियो में मैं उन 10 क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, ठीक है। ये वो 10 क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं पूरे साल, और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग लोगों ने पूछे हैं। सो हो सकता है कि आपके लिए सारे क्वेश्चंस एप्लीकेबल ना हो, बट अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में जॉब खोज रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे लगता है कम से कम 4-5, 2-3 क्वेश्चंस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा गया है शायद वो है कि क्या डेटा साइंस विदाउट मैथ्स पढ़े किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। अब मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन जो भी लोग पूछ रहे हैं वो लोग बिगिनर्स हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी टाइम स्पेंड करोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद पता चल जाएगा। द आंसर इज ऑब्वियसली नो, आप मैथ्स के बिना डेटा साइंस में बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे, दैट्स एन ऑनेस्ट ट्रुथ। आप स्टार्ट कर सकते हो, आप 1-2 एल्गोरिदम्स पढ़ सकते हो, प्रोबेबली 1-2 प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, बट आपको जैसे ही ये टास्क दिया जाएगा कि किसी मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव करो या किसी प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, यू वुड सून रियलाइज कि आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। और वो इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको उसके पीछे का मैथ्स नहीं आता। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो भी होते हैं, डेटा साइंस के जो भी एल्गोरिदम्स होते हैं, दे आर प्योरली मैथमेटिक्स मोस्ट ऑफ देम, तो आपको मैथ्स तो आना ही चाहिए। मैं आई नो यहाँ पे बहुत बोरिंग सी बात बोल रहा हूँ, बट दिस इज द ट्रुथ, ठीक है। अब एक चीज मैंने और हमेशा बोला है अपने चैनल पर, और वो ये है कि अगर आप बिगनर हो और आपको ये पता है कि मैथ्स पढ़ना जरूरी है डेटा साइंस के लिए, तो ये गलती मत करना कि आप पहले मैथ्स पढ़ने निकल गए, 1-2 महीने सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, वो गलत अप्रोच है। वॉट यू शुड डू इज कि आप डेटा साइंस पढ़ो, जब जिस एल्गोरिदम में जिस भी मैथमेटिकल टॉपिक का जरूरत होगा आप जाकर के वो टॉपिक अलग से पढ़ लो, बट फुल फ्लेजर्ड मैथ्स को अलग से टाइम देने पे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। एट द एंड ऑफ 1 month or 2 months यू वुड रियलाइज कि यार मैथ्स भी नहीं सीखे और डेटा साइंस तो स्टार्ट ही नहीं कर पाए। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेशन देता हूँ, इफ यू आर अ बिगिनर एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट डेटा साइंस, स्टडी डेटा साइंस, बट whenever यू फेस अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट, टाइम निकाल करके उसके ऊपर फोकस करो। इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपको वो मैथ समझाने के लिए। आप 1 हफ्ता भी स्पेंड कर लो, 2-3 दिन भी एक्चुअली स्पेंड कर लो, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा पूछा गया था, तो मैंने इसको आंसर कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या मुझे डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए किसी हायर डिग्री की जरूरत है, या फिर एक और साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मुझे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत है या नहीं। सो होता क्या है कि मार्केट में अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती हैं, इनफैक्ट हम भी कराते थे कुछ दिन पहले तक। तो आप जब वो छोटे कोर्सेज करते हो, 6 महीने के, 2 महीने के, 1 महीने का, तो आपको बाय द एंड ऑफ द कोर्स एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये सर्टिफिकेट, आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगता है कि क्या वो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है या नहीं। सो मैं खुद इस तरह के कोर्सेज कराता हूँ, बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस तरह का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का इंटरव्यू प्रोसेस में डिमांड नहीं होता, ना के बराबर होता है। बहुत रेयरली मैंने किसी के मुंह से सुना है कि उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि दिखाओ आपने कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग किया है। उनको फर्क पड़ता है आपके नॉलेज से, आपके प्रोजेक्ट से और आपके कॉन्फिडेंस से जो आप इंटरव्यू में शो कर रहे हो। अगर आप ये सब कुछ शो कर रहे हो बट आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो आपको निकालेंगे नहीं, वो आपको फिर भी रख लेंगे। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इज नॉट अ बिग डील। आप ये ट्रेनिंग जो होती है वो इसलिए करो क्योंकि आपको कुछ सीखना है, ना कि आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, सो प्लीज ये मिसकंसेप्शन हटा लो। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो आज की डेट में क्या हो रहा है, सिंस एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, हॉट फील्ड बना हुआ है, तो बहुत सारे और लॉन्गर कोर्सेज आ गए हैं मार्केट में। जैसे कि एक मास्टर्स कोर्स आ गया है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करा रही है, 1 साल का या फिर कभी कभी 1.5 साल का। और फिर प्रॉपर पीएचडी कोर्सेज तो होते ही है जहां पर आप 4 साल एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हो एआई के। ठीक है, तो हायर डिग्री आई वुड से फिर भी थोड़ा यूजफुल है। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम का बात करो तो मास्टर्स प्रोग्राम में दे चार्ज यू अ लॉट ऑफ मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना मैंने देखा है, मतलब अपवर्ड्स ऑफ 1 लाख चार्ज करते हैं वो लोग। बट एक चीज जो मैंने नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ देम आर जॉब गारंटी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अगर आप किसी ढंग के इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो आई होप वो आपको डिच नहीं करेंगे और इवेंचुअली दे विल एटलीस्ट गिव यू सम इंटरव्यूज। और 1 साल अगर आप पढ़ रहे हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से तो आपको नॉलेज तो होगा ही। कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ये सब करा रहे हैं, जैसे ISI कोलकाता में एक प्रोग्राम होता है, सिमिलरली चेन्नई में भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहां पर इस तरह का एक प्रोग्राम होता है 3-4 सेमेस्टर्स का। तो इन प्रोग्राम्स में क्या फायदा होता है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं जिनको डेटा साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, वो एक्चुअली वहां पे जाके प्लेसमेंट्स कंडक्ट करती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर मुझे एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनमें से एटलीस्ट 2-4 लोग मेरे काम के हो सकते हैं। तो वहां पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर आप बात करो मास्टर्स वाले का। अगर आप पीएचडी का बात करो फिर तो ये बहुत डिफरेंट चीज है। पीएचडी का मतलब है आप 4 साल अपनी लाइफ का दे रहे हो इंटू रिसर्च। और मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज स्पेशली, अच्छी कंपनीज, जो रिसर्च पोस्ट के लिए दे हायर पीएचडी कैंडिडेट्स। सो अगर आप इस पॉइंट पे लेट्स से जस्ट ग्रेजुएट हुए हो, 1-2 साल आपको जॉब किए हुए हुआ है, तो आप एक्चुअली पीएचडी परस्यू कर सकते हो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। रिसर्च में अगर आपको जॉब लगेगी, आई हैव नोटिस उनका सैलरी वगैरह बहुत बढ़िया रहता है, क्वालिटी ऑफ जॉब बहुत बढ़िया रहता है और चैलेंजिंग जॉब रहता है, मतलब आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप डायरेक्टली जॉब हंट स्टार्ट करो और कंपनी स्विच करते करते अच्छी सैलरी पे पहुंचो। सेकेंड हायर डिग्री का रास्ता है जहाँ पे आप पढ़ाई करके एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इवेंचुअली 2-3-4 साल के बाद एक डेटा साइंस फील्ड में जॉब ले रहे हो। हाँ, वो जॉब अच्छा होगा। सो इन अ वे नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट ये भी एक अप्रोच है जो आप ले सकते हो। आई होप आपको समझा पाया मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन मुझसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पूछते हैं जो सेकेंड थर्ड ईयर में होते हैं और वो लोग अलग अलग करियर चॉइसेस फिगर आउट कर रहे होते हैं। तो उन लोगों से मुझे क्वेश्चन बहुत मिला है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हम नहीं है तो क्या हम डेटा साइंस की फील्ड में जा सकते हैं। तो यार इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। मैं खुद EEE एज इन इलेक्ट्रिकल का पास आउट हूँ, एंड यू कैन सी मैं अभी डेटा साइंस पढ़ा रहा हूँ। और मैं और बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका कंप्यूटर साइंस से दूर दराज का कोई रिश्ता नहीं था जब वो कॉलेज में थे, बट आज की डेट में दे आर गुड डेटा साइंटिस्ट इन देयर कंपनीज। सो जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ते हो, कॉलेज से निकल के ही आपको पढ़ना होता है सब कुछ, तो आप
किसी भी ब्रांच से आ रहे हो, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है और आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आप मेहनत करके जा सकते हो, शॉर्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत दिखता है मुझे क्वेश्चन, लोग पूछते हैं कि सर हम डेटा साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें आर सीखना चाहिए या पाइथन सीखना चाहिए या फिर दोनों सीखना चाहिए। तो अगर आप 5 साल 6 साल पहले पूछते ये सवाल तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, बिकॉज उस टाइम पे ये दोनों लैंग्वेजेस बहुत कम्पीट कर रही थी एक दूसरे के साथ। बट अभी क्या हो गया कि बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन आ गया है। सो मैं आपसे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि आप रिसर्च में मूव करना चाहते हो या इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हो। सो अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हो, रिसर्च फील्ड में मूव करने का सोच रहे हो, तो फिर आपको आर सीखना चाहिए, क्योंकि रिसर्च डोमेन में मैंने देखा है कि आर बहुत यूज होता है। जितने भी प्रोफेसर्स हैं और रिसर्चर्स हैं और जो बहुत रिसर्च हैवी बुक्स हैं, उसमें मैंने हमेशा नोटिस किया है कि आर यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। और जितने भी प्रैक्टिकल बुक्स हैं और इंडस्ट्री ओरिएंटेड बुक्स हैं और प्रोग्राम्स हैं और कोर्सेज हैं और जो लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं, वो लोग जनरली पाइथन यूज करते हैं। तो आप खुद से क्वेश्चन पूछो, आप किस फील्ड में मूव करना चाहते हो, अकेडमिक्स में या इंडस्ट्री में। अगर अकेडमिक्स में जा रहे हो तो आर सीख लो, अगर आप इंडस्ट्री में मूव कर रहे हो तो पाइथन सीख लो, ज्यादा टाइम है तो दोनों सीख लो, मतलब कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी मेरे को काफी फ्रीक्वेंटली मिला ये क्वेश्चन कि मुझे डीप लर्निंग बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्रोजेक्ट आइडियाज हैं मेरे पास डीप लर्निंग में, बट मैंने अभी मशीन लर्निंग कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या मुझे डीप लर्निंग स्टार्ट करना चाहिए। सो अगर आप मुझसे पूछो, ऑनेस्टली द आंसर इज यस। इनफैक्ट अगर मैं आपको फन फैक्ट बताऊं तो मैंने भी फर्स्ट डीप लर्निंग पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं मशीन लर्निंग में मूव किया था। जब मैं 2017-16 के अराउंड बहुत सुन रहा था उस टाइम डीप लर्निंग के बारे में, तो आई गॉट इंटरेस्टेड और पहले मैंने डीप लर्निंग पढ़ना स्टार्ट किया और फिर ग्रेजुअली मैं मशीन लर्निंग में मूव किया। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग से ये हटा लो कि डीप लर्निंग कुछ बहुत अलग सी चीज है। डीप लर्निंग इज मशीन लर्निंग। जो चीजें आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बनाने में करते हो, सेम वही सीरीज ऑफ स्टेप्स आप डीप लर्निंग में भी करते हो। डीप लर्निंग में बस एक ही चीज डिफरेंट है कि वो डिफरेंट क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स है। ठीक है, मशीन लर्निंग में अलग टाइप के एल्गोरिदम्स है, डीप लर्निंग में अलग टाइप के एल्गोरिदम्स है। तो आप डीप लर्निंग पहले पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा आइडिया हो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स कैसे किए जाते हैं, वो फ्लो क्या है वो आपको आना चाहिए, ट्रेनिंग कैसे किया जाता है, प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है, इवेल्युएशन क्या है, ये सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो शायद आप 2 हफ्तों में सीख जाओगे, उतना सीखने के बाद आप डीप लर्निंग में मूव कर सकते हो। कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि पहले मशीन लर्निंग का एक एक एल्गोरिदम चाटो तभी आप एलिजिबल हो डीप लर्निंग पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफिकल्ट हैं डीप लर्निंग में, बट आप वो इरिस्पेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग सीख सकते हो। ठीक है, और ऑनेस्टली डीप लर्निंग थोड़ा है भी इंटरेस्टिंग, थोड़ा चैलेंजिंग है, प्रोजेक्ट्स ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं वहां पे, तो यस नेचुरल सी बात है कि आप चाहोगे डीप लर्निंग पढ़ना, बट इस क्वेश्चन का आंसर इज यस, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सीखो मशीन लर्निंग, एक आध एल्गोरिदम चलाना, एक आध प्रोजेक्ट करना, उसके बाद मूव कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्या मुझे डेटा साइंटिस्ट बनने के पहले डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए। सो ये दोनों जॉब फील्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने अपने चैनल पे पहले ही बता रखा है। सो डेटा साइंटिस्ट पूरा फुल स्पेक्ट्रम पे काम करता है, डेटा उठाने से लेकर के उसको डिप्लॉय करने तक। डेटा एनालिस्ट उसके बीच में एक काम करता है छोटा सा, और वो है डेटा उठा करके उसके ऊपर एनालिसिस रन करके रिपोर्ट्स वगैरह बनाना। सो डेटा साइंटिस्ट का जो काम है वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड है, मैथ्स ओरिएंटेड है। डेटा एनालिस्ट इज लाइक अ सब फील्ड जिसमें आप थोड़े कम चीजों के ऊपर काम करते हो, मोस्टली आपका काम एनालिसिस रिलेटेड होता है और आप काफी सारे टूल्स यूज करते हो, जैसे कि टैबल्यू और कुछ इस तरह के टूल्स हैं, तो पावर बी आई मैं भूल रहा था उसका नाम। अगर आप एकदम ही नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो, लेट से आप आपने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स कर रखा है, आपने कभी अपनी लाइफ में प्रोग्रामिंग मैथ्स वगैरह टच नहीं किया है, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, तो आई वुड से कि आपके लिए डेटा साइंटिस्ट बनने में जितना टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम शायद डेटा एनालिस्ट बनने में लगेगा, बिकॉज एट द एंड आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए हैं, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल नॉलेज चाहिए है, और कुछ टूल्स आपको चलाना आना चाहिए। आप इतने में भी डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर सकते हो,
बट अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनने जाओगे ना, तो आपको फिर काफी टाइम लग सकता है, शायद 1 साल लग जाए आपको पूरा स्किल सेट सीखने में, क्योंकि पहले आप मैथ सीखोगे, फिर आप प्रोग्रामिंग सीखोगे, तो वो जर्नी थोड़ा लंबा हो सकता है। और अगर उतने में आपको जॉब्स नहीं मिले या इंटरव्यूज नहीं मिले, तो आप मोटिवेशन लूज कर सकते हो। तो आई वुड से कि अगर आप कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो फिर आप डेटा एनालिस्ट बनने का ट्राई करो, और फिर वहां पे रुको मत, और स्किल सेट लेते लेते डेटा साइंटिस्ट बनने का ट्राई करो। बट अगर आप ऑलरेडी एक टेक्निकल डोमेन से हो, लेट्स से आप इंजीनियरिंग कर चुके हो, या फिर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है, या फिर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हो, तो मेरे को लगता है कि आपको डेटा एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप डेटा साइंटिस्ट पे डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, दिस इज माई ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 7, मेरी पढ़ाई में कुछ ईयर गैप्स हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और आता है कि मैं 30 साल से ज्यादा एज का हूं, और मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं बट किसी और डोमेन में, और मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो क्या इन दोनों सिनेरियोज में मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूं या नहीं? पहले क्वेश्चन को फोकस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि मेरे प्रोफाइल में कुछ ईयर गैप्स हैं। सो ईयर गैप्स कई रीजन से हो सकता है। इट कुड बी बिकॉज आपने ठहर करके किसी एग्जाम का प्रिपरेशन किया, इट कुड बी बिकॉज आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, इट कुड बी एनीथिंग पर्सनल। ठीक है, तो जनरली इंडियन जॉब इंडस्ट्री में ईयर गैप्स को थोड़ा बहुत नेगेटिव तरीके से लिया जाता है कि क्यों आपने काम नहीं किया उस बीच में, ऑल्दो मेरे को बहुत स्टूपिड लगता है, बट या इट इज अ थिंग। सो अगर आपके प्रोफाइल में ईयर गैप्स हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप बहुत बड़ी कंपनीज को टारगेट अगर करोगे, तो हो सकता है आप क्वालिफाई ना कर पाओ, बिकॉज वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, आप इंटरव्यू जाने के पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे, शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगे। तो आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना चाहिए, आपको स्टार्टअप्स में ट्राई करना चाहिए, या मिडिल साइज कंपनीज में ट्राई करना चाहिए, या फिर ऐसी कंपनीज में ट्राई करना चाहिए जहां पे ईयर गैप उतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बाकी यार एट द एंड अगर आप इंटरव्यू में पहुंच गए और सामने वाले को आपका नॉलेज दिख जाता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, और आप उनके लिए वो काम कर सकते हो, फिर वो आपको हायर करके ही मानेंगे। बट वही है, सबसे पहला चैलेंज आपके लिए ये है कि शॉर्टलिस्ट कैसे हो। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे झूठ बोल देते हैं, छुपा लेते हैं, तो यार अगर आप छुपा सकते हो, इतने टैलेंटेड हो, तो फिर कर लो, बट मैं नहीं रिकमेंड करता, बिकॉज फिर आप डर के पूरे टाइम रहोगे उस कंपनी में, वो अच्छा नहीं है। सो आई वुड से टारगेट सच कंपनीज जो आपको इस चीज को ज्यादा वैल्यू ना देती हो, और आपके प्रोफाइल को ज्यादा वैल्यू देती हो, आपके नॉलेज को ज्यादा वैल्यू देती हो। एक बार आप इस तरह की कंपनी में घुस जाओ, 1-2 साल काम करो, उसके बाद हमेशा आपका लास्ट एक्सपीरियंस पूछा जाता है। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला कि 12th के बाद आपने एयर गैप क्यों लिया, आपका हमेशा लास्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो दिस इज माई रिकमेंडेशन। सेकेंड, एक ज्यादा चैलेंजिंग केस है कि आप में से कोई लोग 30 साल प्लस हो अभी, और आप ऑलरेडी एक डोमेन में लेट्स से 5, 8, 10 सालों से काम कर रहे हो, और अब आप स्विच करना चाहते हो डेटा साइंस में, बिकॉज कुछ भी रीजन हो सकता है। एक रीजन हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपका करियर थोड़ा स्टैगनेट हो चुका है, ग्रो नहीं कर रहा। सेकेंड, आप बोर हो चुके हो शायद अपनी फील्ड से, और आपको डेटा साइंस बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। बट अगर आप बहुत दिनों से एक डोमेन में हो, तो फिर नए डोमेन में घुसना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि आप सीधे इस सैलरी पे एंटर करो उस डोमेन में, बट आपके पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं डेटा साइंस के डोमेन में, तो फिर सामने वाली कंपनी आपको ऑफर नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैं जो सजेशन देता हूँ वो ये है कि या तो आप किसी तरीके से थोड़ा एक्सपीरियंस दिखा दो कि मैंने अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां पे मैंने थोड़ा डेटा साइंस पे काम किया है, पिछले 6 महीने 1 साल ये प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं, किसी तरीके से दिखा दो इंटरव्यू में कि मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा काम मैं कर रहा हूँ, अब मैं स्विच करना चाहता हूँ फुली। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े लोअर कर दो, और थोड़े बिगिनर लेवल पे एंट्री करने का ट्राई करो डेटा साइंस में। अब इन दोनों में से कौन सा रास्ता आप चूज करते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट या ये जो केस है थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि आप 30-35 साल के हो, और फिर आप कंप्लीटली नए डोमेन में घुसना चाह रहे हो, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग केस है। इस केस में मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि जो आपके कनेक्शंस है लिंक्डइन पे, उनमें से जितने भी लोग किसी डेटा साइंस कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, आप उनसे बात करो,
वो आपको बहुत जेन्युइन सजेशंस देंगे। आप ट्राई करो ऐसे लोगों से कनेक्ट करने का जो लोग डेटा साइंटिस्ट का बनने का इंटरव्यूज लेते हैं अपनी कंपनी में। उन लोगों से आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या सीख कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, और उसके बाद स्ट्रैटेजाइज करके आपको अप्रोच करना पड़ेगा अपने डेटा साइंस इंटरव्यूज को। मतलब यही है, मतलब इसमें मेरे को और ज्यादा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल सकता हूँ, बट या दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 8, ये अगेन कॉलेज स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डेटा साइंटिस्ट का पहला जॉब लेने के लिए इंटर्नशिप्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट तो है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग मैंने नोटिस किया है कि जिन बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाता है डेटा साइंस की डोमेन में, उनमें से एक बड़े परसेंटेज को जॉब भी मिल जाता है। समहाउ देयर इज अ कोरिलेशन कि अगर आपको इंटर्नशिप मिला है अच्छा तो आपको जॉब भी मिल जाएगा, और देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन ऑल्सो कि आपको एक भी इंटर्नशिप नहीं मिला है तो जॉब लेने में भी डिफिकल्टी होता है। तो इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट तो है बट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पूरे टीचिंग करियर में ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनके पास कोई इंटर्नशिप नहीं था, उन्होंने डायरेक्टली जॉब सिक्योर कर लिया। तो इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट मैंडेटरी। यू शुड ट्राई टू गेट एन इंटर्नशिप, बट अगर नहीं मिला तो ऐसे सोचना मत चालू कर देना कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज माई सजेशन। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, कैन आई बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। ये शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि somehow मेरे से जो भी लोग बात कर रहे हैं कमेंट्स में और पर्सनली भी, उनमें से एक बड़ा चंक ऐसे लोगों का है जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, लाइक BSc इन इकोनॉमिक्स, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, या फिर कुछ और दे आर नाउ इंट्रीग्ड अबाउट दिस न्यू फील्ड कॉल्ड डेटा साइंस। उनको लग रहा है कि अच्छा है, यहाँ पे हमें काम करना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में यही है कि यार, सिंस हमारा बैकग्राउंड, हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड इतना डिफरेंट है, तो क्या हम स्विच कर भी सकते हैं। सी द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, बट हार्ड वर्क लगेगा आपको। मतलब आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। अगर एक प्रोग्रामर है उसके लिए इजी है बिकॉज उसको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है उसके लिए भी इजी है क्योंकि उसको सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ना है। आपको दोनों चीजें पढ़नी है और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, टाइम लग सकता है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आप थोड़ा इजी रास्ता अपना सकते हो। लेट्स से आप पहले डेटा एनालिस्ट बनने का ट्राई करो, उसके बाद आप घुस सकते हो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। बट या द आंसर इज यस, यू नीड टू फॉलो स्ट्रिक्ट रेजीम टू लर्न ऑल द थिंग्स। यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड इन योर इंटरव्यूज, तब आप कर सकते हो। सी मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी आपको ऐसे झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि हो जाएगा, टेंशन मत लो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट आई हैव सीन पीपल हु हैव ट्रांजिशन इन टू अ डेटा साइंटिस्ट आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। ठीक है, सो मैं कुछ दिनों में एक कम्युनिटी लॉन्च करने का सोच रहा हूँ, जहाँ पे इस तरह के जो लोग हैं, जिन लोगों ने नॉन टेक बैकग्राउंड से डेटा साइंस वाला जॉब क्रैक किया है, उस तरह के लोगों को मैं कम्युनिटी में ला के आप लोगों से कनेक्ट करने का सोच रहा हूँ, सो दैट आपको थोड़ा हेल्प और गाइडेंस मिल पाए। बट या द आंसर इज यस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। बहुत लोग जो थोड़ा डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, सडनली से उनको यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर दिख जाता है, या फिर कोई ब्लॉग वो पढ़ लेते हैं जहाँ पे लोग बोल देते हैं कि डेटा साइंस इज अ बबल, बस खत्म होने वाला है, 5 साल बाद डेटा साइंस रहेगा ही नहीं और इट इज अ हाइप। तो फिर थोड़ा सा आप लोग डर जाते हो, बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, इट इज नॉट अ बबल। ठीक है, कोई हाइप नहीं है ये। बहुत सिंपल सी बात है, हम इवॉल्व कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, और इंटरनेट इज अ रियलिटी, एप्स आर रियलिटी, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स ऑफलाइन से ऑनलाइन आना इज अ रियलिटी, हमारा 6 घंटा दिन में स्पेंड करना ऑनलाइन इज अ रियलिटी, इतना सारा डेटा जनरेट होना इज अ रियलिटी, और कंपनीज के पास इतना डेटा आने के बाद और उनको ये सोचना कि हम उस डेटा से क्या कर सकते हैं वो भी रियलिटी। सो इन सब चीजों के बीच में डेटा साइंस कहीं खोने वाला नहीं है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि डेटा साइंस इतना इवॉल्व कर जाएगा कि डेटा साइंस के जॉब्स ही ऑब्सोलीट हो जाएंगे क्योंकि AI सारा काम कर देगा। ट्रस्ट मी, अभी वो बहुत दूर है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले वो GPT-3 बोल के एक मॉडल लॉन्च हुआ था,
जिससे वो गिटहब कोपायलट वगैरह लॉन्च हुआ था, जिससे कोड वगैरह ऑटोमेटिकली टाइप हो जा रहा था, एंड पीपल स्टार्टेड स्पेकुलेटिंग कि अब बस प्रोग्रामर्स का जॉब खत्म है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी प्रोग्रेस होता है ना, वो हमेशा एक्सपेक्टेड से स्लो होता है। 1960s में लोग सोच रहे थे कि बाय 2020 वी विल हैव फ्लाइंग कार्स। हमारे पास अभी तक ढंग की सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी नहीं, ठीक है? तो दोनों ही केसेस में दो एक्सट्रीम तरीके से लोग सोच रहे हैं। एक तरफ वो सोच रहे हैं कि ये फील्ड उतना खास नहीं है कि रह पाए 5 साल बाद। दूसरी तरफ लोग सोच रहे हैं कि इतना खास है कि खुद के ही जॉब्स खा लेगा। इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी मेरे को सही नहीं लगती, पर्सनली स्पीकिंग। हम इसके बीच में कहीं पे लाई करेंगे जहां पर ये जॉब स्टेडिली ग्रो करेगा अगले 10 सालों में, उसके बाद भी शायद। और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जहां पर इवेंचुअली एआई की जरूरत पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसीज आर देयर, मेटावर्स बोल के एक नई चीज आ रही है। इन सभी जगहों पे एआई अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है? हो सकता है कि डेटा साइंस नाम से ये जॉब ना रहे, जैसे 25 साल पहले स्टैटिस्टिशियंस होते थे, अब लोग उनको डेटा साइंटिस्ट बोल के हायर कर रहे हैं। हो सकता है 10 साल बाद आपको कोई डेटा साइंटिस्ट ना बोल के कुछ और बोले, लेकिन ये जॉब रहेगा, ये फील्ड रहेगी, और इसका प्रोग्रेस भी होता रहेगा, ठीक है? अब नाम कुछ और हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस फील्ड में 5 साल 10 साल से हो, तो आप लोगों को ही सबसे पहले वो नए जॉब्स भी दिए जाएंगे जो इस फील्ड में आएंगे, ठीक है? तो प्लीज ये सब फालतू की बातों पे आप भरोसा मत करो। अपनी लाइफ देखो, आप खुद कितना डेटा यूज कर रहे हो, कितने एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, और आपको उनकी जरूरत है या नहीं, खुद आंसर करो। अगर उन सबका आंसर यस है, तो फिर आप और मैं बहुत नॉर्मल लोग हैं, और नॉर्मल लोगों से ही ये पूरा सोसाइटी बना है। तो फिर डेटा साइंस और ये सब फील्ड्स रहने वाली, ठीक है? तो यही है टॉप 10 क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा पूछे गए थे अभी तक। आई होप मैं इनको आंसर कर पाया। और इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी डाउट्स हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट, आई विल ट्राई टू आंसर देम, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।